राजस्थान के युवा बेरोजगार एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। आचार संहिता लगने वाली है और अब महज 15 से 20 दिनों का समय बचा है। युवा चाहते हैं कि उनकी मांगों को सरकार पूरा करे, उनको नियुक्ति की सौगात दे, उनकी लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए। उपेन यादव के नेतृत्व में ये धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। उपेन, महज कुछ समय बचा है, चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है, युवाओं को सरकार से बहुत उम्मीद है, लेकिन उससे ज़्यादा उम्मीद उनको आपसे? देखो, 20 से 25 दिन करीब बचे हैं आचार संहिता लगने में। आज एक बार फिर हमने शहीद स्मारक में मोर्चा खोला है और मोर्चा खोलकर हम मांग कर रहे हैं कि 20 से 25 दिन में तमाम युवाओं की मांगों को पूरा किया जाए। जो 1,00,000 पदों पर नई भर्तियां निकालने की मांग घोषणा की थी, उन पदों पर भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जल्द से जल्द जारी की जाए और साथ में ही जो प्रक्रियाधीन जो भर्तियाँ हैं जिसमें अध्यापक भर्ती है लेवल 2 है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उन पदों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। 1,00,000 के करीब भर्ती उनकी ज्वाइनिंग दी जाए। यही सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षकों की भर्ती निकालने की मांग है। BCI 610 वनरक्षक का फाइनल परिणाम जारी करके ज्वाइनिंग करने की मांग है। जो लेवल 2 में 4500 पद कम किए गए थे वो जोड़ने की मांग है। और जो दिल्ली में एक नियम है, जो छोड़ कर चले जाते हैं त्यागपत्रित पदों पर, 3 महीने में यहाँ भी सूची जारी करने का नियम बनाया जाए, जिससे युवाओं को ज़्यादा फायदा हो सके। वहीं अध्यापक भर्ती लेवल 1 में जो पद खाली है उन तमाम पदों को भरा जाए। जो भाई ने जो मांग करी है कि हमारी कट ऑफ ज़्यादा क्यों बढ़ी, वीडो है, जो डिवर्स कोटेस है, उनको न्याय मिलना चाहिए। वहीं नई PTI भर्ती की मांग है। बिजली विभाग में, आपके रोडवेज विभाग में, पंचायत राज चयन, कनिष्ठ अनुदेशक, नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, इन भर्तियाँ निकालने की मांग है। आजीविका में कृषि जो व्यक्ति संदर्भ है, पशु संदर्भ है, उनकी तमाम मांगों को पूरी करने की मांग हम लगातार कर रहे हैं। वहीं रीट पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं। पशुधन सहायक, पशु परिचर सहायक, पशु परिचर भर्ती, संस्कृत शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक, अध्यापक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इन भर्ती की निकालने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में 3800 पदों पर जो वित्तीय स्वीकृति मिले, कम से कम 15-20,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिले, तमाम पदों की संख्या बढ़ाने की मांग करें, विज्ञप्ति जारी करने की मांग करें। PTI भर्ती 2022 और फायरमैन भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने की मांग कर रहे हैं। अध्यापक भर्ती लेवल 1 में और जो रिक्त पदों उन्हें बढ़ने की मांग करने के साथ साथ नई भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पर खेल प्रमाणपत्र कानून लाने की मांग करें। फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करें। भर्ती परीक्षाओं को पेपर बनाने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। गलत उत्तर और प्रश्न बनाता है उनके खिलाफ कार्रवाई की आर्थिक और कानूनी दंड देने की हम मांग करें। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता की मांग करें। युवा बेरोजगारों के समझौते की मांग करें। युवा बेरोजगार महासम्मेलन की मांगों को पूरा करने की मांग करें। आगामी तमाम भर्ती परीक्षाएं लिखित परीक्षा के माध्यम से हो। पंचायत राज LDC नर्सिंग भर्ती पूरी करने की मांग करें। CHO भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर युवाओं के साथ न्याय किया जाए वो मांग करें। TSP में पद बढ़ाने की मांग करें। तो तमाम मांगों को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोला। आपकी मांगों की मैंने सूची सुनी, दिन कम है, मांगे ज़्यादा हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे भी दिन कम ही है। आपको पता है कि 13 जनवरी 2024 को नया अध्यक्ष आ जाएगा और चुनाव आचार से तब तक सारी मांगें होनी है। तब तक मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जल्द ज़्यादा युवाओं की मांगें पूरी हो। अगर 25 दिन में ये मांगें पूरी नहीं होती है तो उपेन यादव का कौन सा रूप देखने को मिलेगा? देखो, फिलहाल अभी मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में नए अध्यक्ष की तलाश जारी है और जब तक मैं इस संगठन में हूँ तो हमें चाहे विधानसभा चुनाव में बगावत करनी पड़े, मोर्चा खोलना पड़े, कुछ ना कुछ करेंगे। मैं युवाओं के लिए हमेशा जहाँ भी रहूँ, जिस भी स्तर पर रहूँ, मैं आवाज़ बुलंद करता रहूँ। बिल्कुल, ये उपेन यादव हैं जो युवाओं की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहेंगे। आपको बता दें कि इस चुनावी साल में युवाओं की ये अंतिम कोशिश है कि उनकी हर मांग को पूरा किया जाए, इसी को लेकर आज धरना दिया जा रहा है। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ये मांगे हैं और दिन भी अब आचार संहिता में इतने बचे हैं, तो ऐसे में अब उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार युवाओं को साधने के लिए इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूँ ललित वर्मा।